नमस्कार, आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। न्यू ईयर के बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जमकर काटे चालान, 8000 से ज्यादा लोगों पर लिया एक्शन। नासिक में केमिकल प्लांट में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, एक की मौत, 17 घायल। सीजान की मां ने कहा, लव जिहाद गलत, दोनों में थे अच्छे संबंध, मुझे अम्मा कहती थी तुनिशा। IIT छात्र के यौन उत्पीड़न के आरोप में मुंबई पुलिस का कांस्टेबल निलंबित। नीतीश कुमार के बाद संजय राउत को भी दिखी राहुल गांधी में उम्मीद, 2024 में परिवर्तन की भविष्यवाणी। फिर एक होगी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की उद्धव ठाकरे को सलाह, एक दो दिनों में बगावत पर होगी बात। महाराष्ट्र में आज से रजिस्टर्ड डॉक्टरों की हड़ताल शुरू, इमरजेंसी के अलावा सभी सेवाएं बंद। महाराष्ट्र की 18 मुश्किल सीटों पर बीजेपी का फोकस, JP नड्डा करेंगे अभियान की शुरुआत। बैंड्रा चर्च को उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में हत्या के मामले में फरार युवक महाराष्ट्र से गिरफ्तार, एक साल पहले की थी हत्या। ऐसी तमाम अपडेट्स देखने के लिए बने रहे एंटी करप्शन न्यूज के साथ।